इडली बनाने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जो भैया बैटर है वो फेंट रहे थे, उसके बाद इस पर डाल दिया भैया ने यहाँ पे कपड़ा। और ये देखिए जो इडली का बैटर है तैयार हो गया है, इसको डाला जा रहा है यहाँ पे कपड़े के ऊपर। भाई इडली बनने में आप सोच रहे होंगे कि 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसको बनाने में दोस्तों सुबह से लेके शाम हो जाती है, क्योंकि इसको शाम को भिगो के रखा जाता है, उसके बाद इसे सुबह पीसा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं और भैया बताएंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन इसको रेडी करने में जो टाइम है काफी लंबा लगता है। उसके बाद इसको आप देखेंगे फेंटने के बाद भैया ने इसमें सांचे में डाला, सांचे में डालने के बाद इसको लेके जाएंगे एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर स्टीमर कहते हैं, ये कुकर की तरह होता है। ये देखिए कुकर में भैया इसे अब रखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये लीजिए भैया ने काफी सावधानी से नीचे पहले पानी डाला हुआ था, अब इसको एक एक करके यहाँ पे भर रहे हैं। दूसरा भी भैया ने यहाँ पे रेडी कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा भी रेडी कर दिया, तो तीसरा भी इसके अंदर डाला जा रहा है, ये देखिए काफी बढ़िया से। उसके बाद दोस्तों इसे ढक दिया जाएगा अच्छे से और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे पकाया जाएगा। तो देखिए भैया ने स्टीमर को यहाँ पे बंद कर दिया। अंकल ये कितनी देर तक मतलब इसमें पकने वाला है? 10 मिनट। 10 मिनट में तैयार हो जाएगा? 10 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। अब भैया यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि ये पका है कि नहीं पका है। तो भैया यहाँ पे उंगली कर रहे हैं, उंगली करके चेक कर रहे हैं कि पका है नहीं पका है। जैसा कि मुझे लग रहा है ये अभी तक पका नहीं। कितना टाइम लगेगा इसको? 2 मिनट। 2 मिनट लगेगा और आपको पता चलेगा उंगली टच करते ही। तो भैया यहाँ पे चटनी लेके आ रहे हैं जो कि यहाँ पे इडली के साथ खाई जाती है। तो पूरी बाल्टी भरी हुई है, इसको तैयार करा जाएगा। सबसे पहले जो पतीले में इसको डाला जा रहा है, डालने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि राई के दाने। इसे तड़का लगा के पहले से रेडी करा गया था, आप देख सकते हो कड़ी पत्ता भी है साथ में। भैया यहाँ पे नमक भी डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसमें दोस्तों पानी डाला जाएगा, तब जाके इसे मिक्स करा जाएगा और ये चटनी का पूरा रूप ले लेगा। उसके बाद इसको इडली के साथ सर्व करेंगे जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो आपको दिखाएंगे बनारस सबसे फेमस जो इडली है वो यहाँ पे कैसे बनती है। तो देखिए तैयार हो गया, भैया इसे अब निकालने वाले, एक बार चेक कर लिया। तो दोस्तों ये रेडी है पूरी तरीके से, अब इसे लेकर जाएंगे साइड में और साइड में ले जाके इस कुकर को यहाँ पे ओपन करा जाएगा, उसके बाद इडली को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पे आप भाप निकलते हुए देख सकते हो, अब इसमें हल्का सा पानी डाला जाएगा ताकि जो इडली है वो अच्छे से कपड़े से अलग हो जाए। तो ये देखिए भैया ने यहाँ पे जो एक्सेस पानी था वो हटा दिया है, उसके बाद जो इडली है वो यहाँ पे अलग करी जाएगी कपड़े से। तो देखिए भैया ने सांचा अलग रख दिया और इसको कपड़े से यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद इडली लेकर जाएंगे प्लेट लगाने के लिए। वो इडली की प्लेट लगाने जा रहे हैं और ये पत्ते पे लगा रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज देखो, कोई भी कागज वगैरह यूज नहीं कर रहे भैया। ये चटनी डाल दी जो अभी तैयार करी थी, तैयार है। तैयार है भैया? एक नंबर, मतलब अभी अभी गर्मा गर्म निकली है। सही लग रहा है? जी जी। भैया जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाजवाब है एक, बिल्कुल। चलिए दिल खुश कर दिया मतलब है। फाइनली दोस्तों हमारी प्लेट यहाँ पे रेडी है, 20 रुपए की प्लेट है, 2 इडली के साथ चटनी डाल के दिए, साथ में दिया पत्ते। तो पत्ते पे दिया है, काफी अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आने वाला ये चटनी के साथ। और इडली के पहली बाइट में लेने वाला हूँ, सुबह से वेट कर रहा था। मां मसाले ऐसे आ रहे हैं ना मुंह में, काफी लाजवाब है। जो राई का दाना है मुंह में जाते एक बाइट लोगे ना भाई, अलग ही बाइट आ रही है। टेस्ट इतना अमेजिंग लग रहा है कि आप कभी भी यहाँ आते हो तो जरूर आइएगा गदोलिया चौराहा। भैया आपको कोने पे मिल जाएंगे गांधी आश्रम के पास।